नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र कैडी में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड परीक्षा हो, बीटीसी परीक्षा हो, 2018 बैच या 19 बैच हो, या आपके विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं, सभी विद्यार्थी यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। और ढेर सारी कमेंट्स बॉक्स में आपके ढेर सारी कमेंट्स व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे सर के यूजीसी की गाइडलाइन है वो कब तक जारी होगी, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर ही सभी विद्यार्थी उसका इंतजार कर रहे हैं और वही फैसला करेगी यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा में परीक्षा या प्रमोट के संबंध में क्या कुछ करना है। तो उसके लिए मॉर्निंग से ही आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स आई थी और मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो के माध्यम से भी आपको अवगत कराया था कि यूजीसी की गाइडलाइन क्या कुछ हो सकती है और जो क्या संकेत मिल रहे हैं वह भी मैंने आपको अवगत कराया था मित्रों। तो जो इवनिंग्स टुडे इवनिंग्स की जो सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सभी विद्यार्थी यूजीसी की गाइडलाइन का काफ़ी इंतजार कर रहे हैं और जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से काफ़ी विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो इसको हम बिल्कुल से आपके समक्ष बिल्कुल लाइव अपडेट, जो जनसत्ता का जो न्यूज़पेपर है उस पर लाइव अपडेट क्या चल रही है यूजीसी को लेकर के, वो सारी चीज़ें और कहाँ क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है और ये जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो कब तक इस पर जारी होने होगी, जैसा कि मैंने आपको अवगत भी कराया था। लेकिन इसके माध्यम से हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे बिल्कुल लाइव न्यूज़पेपर पर ले जाकर के मित्रों। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको लेटेस्ट वीडियो का और आपके आने वाली उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती एवं डीएलएड या अन्य किसी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए ले चलते हैं आपको जनसत्ता के जो लाइव न्यूज़पेपर है उस पर। तो मित्रों, आप जनसत्ता का जो लाइव न्यूज़पेपर है उस पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम आपके लिए रोल करते हैं इसको और आपको यूजीसी की क्या कुछ गाइडलाइन है उसके संबंध में सीधे ही न्यूज़पेपर पर लाइव ले चलेंगे मित्रों और लाइव ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूजीसी गाइडलाइन 2020 लाइव अपडेट, आप इस पर ही क्लिक करोगे जैसे ही आपको एक न्यूज़पेपर और ओपन होगा मित्रों। तो मित्रों, आप यूजीसी गाइडलाइन लाइव नाउ पर आ चुके हैं। यूजीसी गाइडलाइन 2020 लाइव अपडेट में यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने का इंतजार है मित्रों सभी को और यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम का होगा इसके ही आधार पर फैसला। जी हां मित्रों, यही डिसाइडेड करेगा कि किस तरह किन किन विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय विद्यार्थी को या डीएलएड विद्यार्थी को या बीएड हो या बीटीसी हो या आपकी अन्य जो सेमेस्टर प्रणाली है या जो बैक पेपर वाले विद्यार्थी हैं या जो एक से अधिक सेमेस्टर में बैक हैं उनके लिए आदि के लिए क्या कुछ इनके द्वारा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ होगा उस पर यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि न्यूज गाइडलाइंस फॉर फाइनल ईयर एग्जाम 2020 लाइव न्यूज अपडेट्स। यूजीसी गाइडलाइन आने से पहले ही कई यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर ही एग्जाम्स को लेकर फैसला ले लिया है, क्या कुछ फैसला लिया है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप यह बिल्कुल से लाइव न्यूज़पेपर जिसे आप देख पा रहे हैं मित्रों सभी, क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है मित्रों, क्या कुछ उनकी सिफारिशें, इसमें तय होगा कि स्कूल और कॉलेजों में एग्जाम्स का क्या होना है, मतलब एग्जाम्स होंगे या फिर बिना ही एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा यानी कि प्रमोट कर दिया जाएगा। छात्र जेई और नीट परीक्षा को ले टालने की छात्र और अभिभावक मांग कर रहे थे जिसे MHRD मंत्रालय ने मान लिया है और इस परीक्षा को जुलाई में होने वाली ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब जेई और नीट की परीक्षाएं जो हैं वो 2020 की जो हैं वो सितंबर में आयोजित की जाएंगी मित्रों। तो यहाँ से आप कुछ स्पष्ट समझ पाए होंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरह आपको क्या कुछ फार्मूला ले रहेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी और न्यूज़ पर। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा आज विश्वविद्यालय महाविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय कॉलेजों और उन अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस 2020 जारी हो सकती है। आयोग अपनी वेबसाइट यानी कि UGC.AC.IN पर गाइडलाइंस जारी करेगा। उधर UGC की गाइडलाइन आने से पहले ही
कई यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर ही एग्जाम्स को लेकर फैसला ले लिया है, क्या कुछ लिया गया है उसे भी चर्चा करेंगे। वहीं कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज फाइनल ईयर और सेमेस्टर एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं मित्रों। तो कई कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पर स्थिति सामान्य है, वहां पर एग्जाम कराने का यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में वीडियो के माध्यम से बताया था, कई विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने बच्चों को प्रमोट करके करने के लिए फैसला ले लिया है। और काफ़ी कुछ ऐसे विद्यालय या यूनिवर्सिटीज हैं जो UGC की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि UGC गाइडलाइन में क्या कुछ रूपरेखा होगी, क्या कुछ प्रारूप होगा, किस तरह रोड मैप तैयार किया जाएगा, किन किन विद्यार्थियों को, यानी कि जो बैक पेपर वाले हैं या डीलेट सेमेस्टर एग्जाम्स हैं या यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय जो कि BA BSc आदि BCOMs के जो एग्जाम्स हैं या फिर BEd के एग्जाम्स हैं, कई विद्यार्थी BEd को लेकर के भी कमेंट्स कर रहे थे। तो देखिए मित्र, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि यदि DLED यानी कि BTC को भी प्रमोट किया जाएगा तो BEd को भी आपकी के साथ, क्योंकि ये दोनों ही एक शिक्षक प्रशिक्षण हैं जिसको लेकर के दोनों के लिए ही। और जो बैक पेपर वाले जो काफ़ी विद्यार्थी ढेर सारी कमेंट सर कर रहे थे सर उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी UGC की गाइडलाइन और UGC की जो बैठक है उसमें उनके लिए भी एक विशेष प्रारूप तैयार किया जा रहा है, और जिसका जो आपके साथ समझ होगा वह यानी कि सोमवार आपको मैं अवगत करा दूँ, देर रात्रि तक या तो आज यानी आज मध्य रात्रि या देर रात्रि तक या सुबह मॉर्निंग या दोपहर तक आपको UGC की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, आप उस पर UGC के द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन जारी होती है उसे आप देख सकते हैं, जिसके संबंध में वहां पर आपके समक्ष जो भी क्वेरीज हैं कि यदि आपको लेकर आप एग्जाम्स को लेकर के या प्रमोट को लेकर क्या कुछ रूपरेखा प्रारूप तैयार किया गया है जिसे आप स्वयं अपने स्तर से देख सकते हैं मित्रों। और कहीं कहीं अन्य राज्यों कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम्स में कई विद्यार्थियों को या कई जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर के प्रमोट भी कर दिया गया है। चलो तो उनकी भी चर्चा एक बार इस वीडियो में कर लेते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने जो एवरेज मार्क यानी कि प्रमोट अगर कर दिया जाता है तो अपने सेमेस्टर या अंकों से खुश नहीं होंगे, तो अगले सेमेस्टर में मिलेगा, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अगले सेमेस्टर में मिलेगा ग्रेड सुधारने का मौका, यानी कि आप अपने अंकों से यदि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो उनके लिए भी मौका दे दिया जाएगा। जैसा कि UGC की जो लाइव अपडेट है जो कि आपके समक्ष आप देख पा रहे हैं 5 जुलाई यानी कि और 2056 यानी कि जो लाइव अपडेट से आपके समक्ष ही है मित्रों। तो UGC ने कहा था कि अगर छात्र ग्रेड में सुधार करना चाहते हैं या वो असंतुष्ट नहीं होंगे वो जो एवरेज या ये फॉर्मूला के आधार पर जो मार्क मिलेंगे तो वह अगले सेमेस्टर के दौरान इस तरह के विषयों के लिए विशेष परीक्षा दे सकता है, यह भी उसमें एक इंक्लूड किया जाएगा मित्रों। कई विद्यार्थियों के मन में यह भी कमांड था कि जहां पर सेमेस्टर नहीं हुए हैं या सेमेस्टर जैसे कि हमारा जो प्रथम सेमेस्टर 2019 बैच का है तो उनके लिए भी क्या कुछ है, तो इन छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन भी विकल्प होगा, यानी ऐसी स्थिति जहाँ से पिछले सेमेस्टर या पिछले वर्ष के अंक उपलब्ध नहीं है, जैसे कि यह स्थिति बनेगी हमारे 2019 बैच के डीलेट के प्रश्नों के समझ क्योंकि उनके पिछला सेमेस्टर हुआ नहीं है, तो है विशेष रूप से परीक्षाओं के वार्षिक पैटर्न के पहले वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 100% का मूल्यांकन किया जा सकता है। 2019 बैच को लेकर के ये आपके ढेर सारी कमेंट से मन में संतुष्टि थी, तो वह आप देख सकते हैं कि यदि ऐसे विद्यार्थी या ऐसे सेमेस्टर जहां पर पिछले सेमेस्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं है यानी अंक उपलब्ध नहीं है तो उनको जो आंतरिक मूल्यांकन है 100% जो मूल्यांकन है उसी पर आधार पर किया जाएगा मित्रों। 2018 बैच डी रहे थर्ड सेमेस्टर के लिए तो वहाँ पर उनके लिए क्या कुछ स्थिति बनेगी, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं रद्द होने पर स्कोरिंग पैटर्न का मतलब है क्या कुछ फॉर्मूला है, यह भी कहा गया था कि कोरोना वायरस के मध्य स्थिति सामान्य नहीं होती है तो छात्रों को सुरक्षा और को स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी ग्रेडिंग आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर यानी 50% अंकों के ही समग्र हो सकती है, यानी जिनके सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं जैसे कि DLED थर्ड सेमेस्टर है तो द्वितीय सेमेस्टर उनका पहले ही परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, तो और शेष 50% पिछले सेमेस्टर में प्रदर्शन के आधार पर प्रतिशत अंक दिए जा सकते हैं। तो ये एक एवरेज फॉर्मूला जो कि UGC के द्वारा तैयार किया हुआ है उसे भी, तो देखो UGC के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है अब तक तो उसको इस वीडियो में कवर करेंगे, क्या कुछ आपकी ढेर सारी क्वेरीज थी तो वीडियो को बड़े अच्छे ढंग से और ध्यान से देखिए ताकि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मैं लाइव आपके जनसत्ता माध्यम से लाइव न्यूज़पेपर पर आपकी सारी कमेंट्स और क्वेरीज को इंक्लूड इसमें करता रहूँगा।
तो कई ऐसे राज्य भी हैं मित्रों जहाँ पर उनकी जो परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जैसे कि हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। स्टूडेंट को उनके पहले के पेपरों में प्रदर्शन के आधार पर पास किया जाएगा, यानी कि प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं से जो टुडे की जो न्यूज है मित्रों, जिसे आप देख पा रहे हैं कि वीमेंस कॉलेज जो है, वहीं पर जो वीमेंस के कॉलेज है पटना की, पटना वीमेंस कॉलेज के सभी स्टूडेंट को किया गया प्रमोट, यानी किया प्रमोट कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना वीमेंस कॉलेज ने 6 जुलाई से सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ का क्लास शुरू कराने का फैसला किया है, और इस बाबत कॉलेज ने सभी छात्राओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट भी कर दिया है। कॉलेज के एग्जामिनेशन सेल और एकेडमिक काउंसलिंग के शैक्षणिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए उन सभी छात्राओं को प्रमोट कर दिया है जिन्होंने एंड सेम्स में एग्जाम के फॉर्म भरे थे। मित्रों तो ये थी आपके लिए जनसत्ता लाभ के लाइव के माध्यम से, न्यूज़पेपर मतलब के लाइव के माध्यम से आपकी ढेर सारी कमेंट्स और क्वेरीज के। काफ़ी विद्यार्थियों के मन में शंका थी कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर क्या कुछ हो चुका है। तो ये UGC के कई काफ़ी विद्यार्थी मन में शंका है, चिंतित हैं कि क्या कुछ गाइडलाइन हो सकती है और यह गाइडलाइन कब तक जारी होगी। तो यह सोमवार या मध्य रात्रि तक आज UGC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी हो जाएगी मित्रों, जिसमें आपके सभी क्वेरीज को आपके क्लियर कर दिया जाएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से संभवतः मैंने सभी आपके जो भी क्वेरीज मन में शंकाएं कमेंट्स बन रही थी उनको लेकर भी कहाँ कुछ हो चुका चुका है और क्या कुछ कहाँ कहाँ पर प्रमोट कर दिया गया है। कई विश्वविद्यालय ऐसे थे जहाँ पर मैंने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराया था कि वहाँ पर भी प्रमोट किया जा रहा है, तो वो उनके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो ये थी मित्रों आज के लिए आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज, गुड ब्रेकिंग न्यूज, जिससे के माध्यम से आप काफ़ी संतुष्ट प्राप्त होंगे मित्रों। इसलिए वीडियो मोर देन पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।